बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चॉकलेट कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के कपकेक आप आराम से घर पर बना सकते हैं, और वो भी ओवन के बगैर। आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम एक अंडे को एक बॉल में तोड़ेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। फिर हम दूसरा अंडा तोड़ेंगे और इसको भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। कपकेक में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को जितनी अच्छी तरह से बीट किया जाता है, उतना ही सॉफ्ट और मज़े का केक बनता है। दो अदद अंडे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। अब हम इसमें हाफ कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे। शुगर पाउडर आप आराम से घर पर भी बना सकते हैं। अगर चीनी थोड़ी मोटी हो तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, तो शुगर पाउडर आराम से बन जाएगा। वन फोर्थ कप कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून इसमें ऐड करके अब हम इसको भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। एक कप मैदा हमने इसमें छानकर डाला है स्टेनर की मदद से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना आ जाएं। और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ये भी हम छानकर डाल रहे हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। केक बनाने के लिए हमें जितना थिक बैटर चाहिए उसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है, वो भी हमने छान कर डाला है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना जाएं। कोको पाउडर डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। कपकेक बनाने के लिए हमें ये बैटर जितना थिक चाहिए उतना तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम कपकेक पेपर रखते जाएंगे। और ब्रश की मदद से हल्का सा इसके अंदर ऑयल लगाते जाएंगे। चम्मच की मदद से हम इस बैटर को इसमें डालते जाएंगे। अब हम थोड़े थोड़े चॉकलेट चिप भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब हम एक बर्तन में छोटा जाली वाला स्टैंड रखेंगे और बर्तन को 10 मिनट पहले हम प्री हीट कर लेंगे और उसके अंदर पैन को रख देंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। पहले 5 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बाकी का टाइम हम
फ्लेम को लो कर देंगे। कपकेक तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के कपकेक तैयार हो चुके हैं। पेपर को उतारने के बाद हम इसको काट कर देखेंगे कि ये कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के कपकेक तैयार हो चुके हैं। इसको चाय के साथ इस्तेमाल करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़े के कपकेक आप घर पर भी आराम से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।